Good morning, everyone. This is your faculty for CA Inter Law, Kunal Mandhaniya, and I welcome you all to today's case study discussion. दोस्तों, केस स्टडी डिस्कशन में हम हर दिन एक केस डिस्कस करते हैं अपने CA इंटर सिलेबस का, और आज जो मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ उसका नाम है सर दिनशॉ मानिक जी पेटिट. बेसिकली ये केस डील करता है विद लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल. तो यस, एस वी ऑल नो, अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. हाउएवर, जब जब कुछ फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट होता है तो हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करते हैं और कंपनी को उस केस के लिए सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानते. विद दिस रिगार्ड कंपनी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड पे रिगार्ड्स टू एक्चुअल रियलिटी. जैसे दोस्तों इस केस में हुआ, केस का नाम है सर दिनशॉ मानिक जी पेटिट. सो इस केस में दोस्तों सर दिनशॉ थे. नाउ इन्होंने ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करके रखा था जिसके बदले में उन्हें इनकम मिलती थी बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. ऑब्वियसली क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करके रखे थे तो उनको जो इनकम मिलती थी वो इनकम मिलती थी बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. अब आई विल टेक अ एग्जाम्पल ऑफ अ फिगर जिससे आपको और क्लैरिटी से समझे. सपोज उनको ये इनकम मिलती थी 10 लाख रुपए, राइट? उसमें 2 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन था. अगेन मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि मैं जो फिगर्स ले रहा हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो 2 लाख रुपए तक के लिए एग्जेम्पशन था दोस्तों, तो बचे हुए 8 लाख रुपए के लिए उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था. नाउ इन्होंने क्या किया, मिस्टर दिनशॉ ने 4 प्राइवेट कंपनीज बनाई. Company 1, Company 2, Company 3 and Company 4. इन्होंने 4 प्राइवेट कंपनी बनाई और अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स थे वो इन्वेस्टमेंट को ऐसे डिवाइड किया कि उन्हें 2 लाख की इनकम मिले इससे एंड बाकी सब कंपनीज को भी 2-2 लाख रुपए की इनकम मिले बाय इंटरेस्ट एंड डिविडेंड. याने उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को ये 4 कंपनीज में ऐसे डिवाइड किया कि उन्हें 2 लाख रुपए तक इनकम मिले और बाकी चारों कंपनीज को 2-2 लाख रुपए की इनकम मिले. एंड वो जो इनकम मिलेगी वो ट्रांसफर कर देंगी वो चारों कंपनीज टू मिस्टर दिनशॉ बाय वे ऑफ लोन. तो दोस्तों यहां पे बेसिकली क्या हुआ, वो जो 4 प्राइवेट कंपनीज सर दिनशॉ ने बनाया, ठीक है, वो कंपनी और कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रही थी, बस उनके नाम से इन्वेस्टमेंट थे जो सर दिनशॉ ने अपना इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर किया था उनके नाम पे, और उससे जो इनकम मिल रहा था, ठीक है, वो इनकम को वो बाय वे ऑफ लोन खुद के पास में रख रहे थे. तो हुआ क्या इससे कि अगर 2 लाख का एग्जेम्पशन लिमिट है तो 2 लाख ना तो सर दिनशॉ के क्रॉस हो रहे हैं ना किसी कंपनी के 2 लाख रुपए क्रॉस हो रहे हैं. एंड उस समय में कंपनीज को भी फ्लैट टैक्सेशन नहीं था, उनको भी ये एग्जेम्पशन की लिमिट थी. तो अल्टीमेटली क्या हुआ, पहले वो 10 लाख रुपए की इनकम जो सर दिनशॉ के पास आती थी उसमें 2 लाख का एग्जेम्पशन मिलता था और 8 लाख रुपए टैक्स पे करना पड़ता था. यहां पे उन्होंने ऐसा किया कि क्योंकि इन्होंने इनकम डिवाइड कर दी, हर एक को 2-2 लाख रुपए का एग्जेम्पशन मिला और बेसिकली सर दिनशॉ के पास 10 लाख रुपए भी आ गए, 2 लाख की खुद की इनकम और 8 लाख जो चारों कंपनी से उन्हें एज अ लोन दिख रहा था, ठीक है, नंबर वन, तो 10 लाख रुपए भी उनके पास आ गए. नंबर टू, उनमें किसी को भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ी. नंबर टू, यह भी देखा गया इस केस में कि वो जो लोन दिनशॉ को मिला फ्रॉम द कंपनी वो कभी उन्होंने रिपे नहीं किया. तो ये सारे इंडिकेटर्स से क्लियरली समझ रहा है, नंबर वन, ना तो कंपनीज और कोई एक्टिविटी कर रही है, नंबर टू, जो लोन दिनशॉ को मिल रहा है वो वापस भी नहीं कर रहा है. मतलब इससे बहुत क्लियर हो गया कि सर दिनशॉ ने ये जो कंपनीज फॉर्म की उसके पीछे एकमात्र एंगल था, दैट इज टैक्स इवेजन. तो सिंस दिस वॉज फाउंड
उन्होंने कंपनी फॉर्म की फॉर टैक्स इवेजन। तो जब ये मैटर कोर्ट में गया, कोर्ट ने कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया और वो चारों कंपनीज और सर दिनशॉ को एक, ठीक है, अलग अलग नहीं माना, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना, एक ही एंटिटी माना और पूरा इनकम जो कंपनी को मिल रहा था वो दिखा दिया इनकम इन हैंड्स ऑफ दिनशॉ और 2 लाख का एग्जेम्पशन मिला और 8 लाख पे उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो बेसिकली यहां पे टैक्स इवेजन हो रहा था, टैक्स इवेजन को बचाने के लिए कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया गया और कंपनी और सर दिनशॉ को अलग ना मानते हुए एक ही माना और जितनी भी इनकम थी वो कंपनी की वो बेसिकली टैक्स कर दिया इन द हैंड्स ऑफ सर दिनशॉ। ऑलराइट, सो दिस वाज माय टुडेस डिस्कशन ऑफ केस स्टडी। केस का नाम था सर दिनशॉ मानिक जी पेटिट। मैं हर दिन ऐसा एक केस, ठीक है, अपलोड करता हूं अपने अनअकैडमी के ग्रुप 1 चैनल पे, ठीक है, अराउंड 9 बजे के आसपास। तो ये सारे केसेस को देखने के लिए, एंड नंबर 2, अगर आपको ये केस पसंद आया होगा तो लाइक करें, अनअकैडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये केस एग्जाम में भी आ चुका है, क्वेश्चन पूछ चुका है। ऑलराइट, तो ऐसे रोज हमें केस स्टडी डिस्कशन करते रहेंगे। आई होप आपको ये केस पसंद आया होगा और अगर आपको ये केस और मेरा डिस्कशन पसंद आया होगा तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।